होगी। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। 5 साल को कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद तमाम मिथक तोड़ते भाई योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। उनके संग 47 और मंत्री के शपथ लेने की चर्चाएं चल रही, जहाँ से कि चारों विधानसभा सीटें जीतने के बाद पिछली दफा एक भी विधायक को मंत्री पद नहीं दौगा तो, लेकिन इस बार आशा है कि कोई ना कोई मंत्री पद दौ जाए। आदित्यनाथ योगी झांसी से मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर रवि शर्मा और तीसरे नंबर पर राजीव सिंह पारीछा की चर्चा चल रही है। चौथी सीट मऊरानीपुर अपना दल के खाते में गई थी, यही वजह से डॉक्टर रश्मि आर खो उतर से दौड़ में थोड़ा पीछे नजर आ रहा हो। डॉक्टर रश्मि आर हालांकि प्रचंड मतन से चुनाव जीती थी, लेकिन मंत्री की रेस में वे पीछे नजर आ रही हैं। चाहे जा कह लूँ कि अभी तक उनको नाम सामने नहीं आओ। हालांकि झांसी की 3 विधानसभा सीट गरौठा, बबीना और झांसी सदर से चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे जवाहरलाल राजपूत, राजीव सिंह पारीछा और रवि शर्मा अपनी अपनी रेस लगा रहे हैं। सबके समर्थक सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने विधायकों को मंत्री बनाए जाने को दावा कर रहे, लेकिन की को दावा कितना प्रबल है जो तो 4 बजे के बाद ही पता चले। लेकिन अगर गरौठा विधायक की बात करें तो उनके लाने कही जा रही है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और झांसी ललितपुर सीट से सांसद रह चुकी भाजपा की दिग्गज नेत्री उमा भारती अपनी एड़ी चोटी की दम लगाए हैं और कितों ना कितों उन्हें मंत्री बनावे के लाने प्रयास कर रही हैं। उतनी अगर ललितपुर की बात करें तो ललितपुर से रामरतन कुशवाहा को नाम भी मंत्री पद के लाने जोर शोर से चल रहा है। आज शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेवे जा रहे हैं। कही जा रही है कि उनके संगे 47 और मंत्री पद की शपथ लें। कल यानी 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल को नेता चुना गया तो, लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई घोषणा नहीं करी गई थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल को नेता चुने जाने के बाद योगी ने सरकार में सहयोग के लाने 2 मुख्यमंत्री नियुक्त करवे जाने के लाने प्रस्ताव रखो तो, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करो गो तो। गुरुवार को विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जो है वो बनाए रखो है। हालांकि योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली नए चेहरे की बात करें तो इनमें अरविंद कुमार शर्मा, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, अश्विनी त्यागी, सलमणि त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी, ब्रजेश सिंह रावत, दयाशंकर सिंह, राजेश चौधरी, दीनानाथ भास्कर को नाम सामने आ रहा है। लेकिन अगर महलन की बात करें तो इनमें नीलमा कटियार, गुलाब देवी, डॉक्टर सुरभि, अंजला माहिर, केतकी सिंह, प्रतिभा शुक्ला, अनुपमा जायसवाल, अदिति सिंह और सरिता भदौरिया के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। अब 4 बजे योगी आदित्यनाथ के संगे पूरे मंत्रिमंडल की शपथ हुई है और नई सरकार बने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जा खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ई पे आपकी क्या राय है, आपको क्या लगत के झांसी से को मंत्री पद की शपथ ले सकत है वो भी कमेंट करके बता सकत हो।